मैं तो कांप गई ना, मुझे जब हेयर ड्रेसर का फोन आया ना, मैं ऐसे ऐसे हो गई। मैं बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुशांत ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम पड़ा था। बोली नहीं आई, आपला सुशांत है। बहुत बुरा लगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा चल रहा था बेचारे का, क्यों गए क्या मालूम। और ऐसा है ना, इंडस्ट्री में आने के बाद तुमको हमेशा हर दम 12 महीने 365 दिन काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में नहीं आया कि ये लड़का जिसको जो जो चाहिए था वो उसको सब मिला। उसको पिक्चर में जाना था, पिक्चरें मिली, वो भी अच्छी वाली पिक्चरें मिली। उसको घर लेना था, जब हमारे साथ पवित्र में था तभी मुझे बोलता था, आई मैंने ना बीकेसी में घर देखा है 2 करोड़ का, तो मैंने पूछा तुझे जमेगा ये अभी, अभी अभी तो तू आया है लेने का है, ऐसे बोला था। फिर मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ, स्कोडा बिड़ा के नाम बताता था वो। सब मिलने के बाद ये बच्चे को क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि जो उसको सुसाइड करना पड़ा। क्यों और कैसे हुआ यही मालूम नहीं है, क्या हुआ उसके दिमाग में, खाली भगवान और बेचारा वो गया उनको ही मालूम है कि उसके साथ क्या गुजरी है। हम ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हुआ होगा इसके लिए ऐसा हुआ, ये हुआ होगा इसके लिए ऐसा हुआ। मालूम नहीं वो बच्चे के साथ क्या हुआ है, समझ में नहीं आता वो बाप पे क्या गुजरी होगी सुन के। वो इतने बूढ़े बेचारे, वो कैसे सामना करेंगे। मतलब बेटे को अपने बाप का करना चाहिए, वो बाप को अभी अपने उसके बेटे का करना पड़ता है, उसका मुझे बुरा लग रहा है।